तो उस बोर्ड पे कितना अच्छा लिख रहा, कन्याकुमारी से लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक है, ये लिख रहा कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक है। तो फोटो शूट हो रहे हैं यहाँ पर भाई, सही बात है, 13,000 फीट की ऊंचाई पे हम लोग आए हैं तो फोटो शूट क्यों ना करवाएं। नीति वैली हम लोग गए थे ना जब, वहाँ ओलिस के आगे नीति वैली गए थे, तो वहाँ भी हम लोग शायद 13,000 से ज़्यादा फीट की ऊंचाई पे थे, बहुत ऊंचाई थी वहाँ भी, लास्ट गए थे वहाँ नीति वैली तक हम, नीति वैली। तो मतलब ये पहाड़ है ना सामने दिखाई दे रहा, बस धूप ना आप लोगों को यहीं तक नज़र आ रही है, सूरज यहीं तक है, इसके आगे छाया है, ठंड है। तो वो पहाड़ सामने दिखाई दे रहा ना आप लोगों को, तो वहाँ पे ही देखना धूप दिखाई देगी, बाकी ये ना सब यहाँ पे धूप नहीं है, छाया छाया है यहाँ पे। कितने फोटो शूट करवा रहे हैं सब लोग, कोई कहीं खड़ा हो रहा है, कोई कहीं खड़ा हो रहा है, बहुत फोटो शूट हो रहे हैं भाई, मजा आ गया दोस्तों इस ट्रिप में, मजा आ गया। अभी तो हम बहुत जगह जाएंगे, आगे भी आप लोगों को वीडियो देखने के मिलेंगे अच्छी अच्छी जगह की। हम लोग शिंकुला से वापस हो लिए हैं यार, ये तो अपनी शिंकुला में हमने थोड़े फोटो शूट करवाए, फिर हम लोग जा रहे हैं वापसी, बीच में रुकेंगे एक मंदिर में, एक मंदिर है यहाँ बीच में, तो वहाँ रुकेंगे हम, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज्यादा हो रही थी, धूप नहीं थी ना, छाया थी यहाँ पे, तो ठंड में फिर ज्यादा देर नहीं रुके हम लोग, हमने फोटो शूट कराए, हम लोग यहाँ से निकल लिए फिर हम शिंकुला से। शिंकुला टॉप है वैसे, इससे शिंकुला यहाँ से वैसे जहाँ हम रुके हुए थे 39 किलोमीटर है यहाँ से, मतलब वो उनको जल्दी बुला, जहाँ ये हम लोग ने फोटो शूट कराए मराठी में अपनी वाइफ से वो कर रहे थे, गाली दे रहे थे बच्चों के लिए कि आने, मनाली 145 कौन सा सो लिखा हुआ है, ठंड बहुत ज्यादा लग रही है, हमने तो हीटर चला लिया गाड़ी में बैठते के साथ ही, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है सही में यार। अरे कितने प्यारे लग रहे हैं सही में, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, छोटे छोटे पपिए देख, अंगड़ाई। तो शिंकुला से वापसी में हम लोग यहाँ रुके हैं चाय पीने के लिए, यहाँ हम लोग चाय पियेंगे, बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। चीनी कम क्या कर रहा है ये, नीचे देख रहा है कितनी गहराई है, ये ब्रिज है क्या नीचे से, कितना लंबा ब्रिज है ये, यहाँ पे घर बने हुए ये हैं, यहाँ पे घर है क्या ही बने हुए, ये छोटे छोटे शायद पता नहीं क्या दुकानें बन रही शायद यहाँ पर, ये यहाँ पे दुकानें घर वगैरह छोटे छोटे बन रहे हैं ये, और देखना कितने बर्फ जमी है यहाँ, सारी बर्फ ही बर्फ है ये। यामी यार इनके बाल कितने होते हैं ना ये है, हाँ सही में यार, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, इनके बाल देखना कितने होते हैं, पहाड़ों पे इतनी ठंड होती है, नहीं तो ये मर जाएंगे अगर कम बाल हो, इन बालों से ही अपने आप को बचाते हैं सर्दी से, देखना कितने बाल हैं, वही क्यूट से छोटे छोटे। हाँ हाँ हीटर चला दे, ये छोटे छोटे पप्पी हैं, इनको हम खिला रहे ब्रेड, देख कैसे खा रहे ब्रेड ये, अरे 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 आराम से यमी,
मुंह में हाथ ना चला जाए। अरे यार पता नहीं यार कितने खाना ही नहीं मिलता, नहीं मिलता यहाँ। सब ले रहे कॉफी का मजा, मेरी कॉफी तो खत्म हो गई भाई। के जैसे यानी कि कॉफी चल रही है अभी धीरे धीरे। तो ये बुद्धा मंदिर है, हम लोग यहाँ पर रुके हैं थोड़ी देर के लिए। अंदर तो शायद बंद है ये, बहुत ही सुंदर मंदिर लग रहा। तो ये आसपास का व्यू इस तरह से है, और यहाँ देखना जहाँ भी देखा ना वही फोटो शूट हो जाते होना शुरू हो जाते हैं। बस इस तरह से अब वापसी में हम लोग इंजॉय करते जा रहे हैं, जाते हुए भी इंजॉय कर रहे थे इस तरह से, आते हुए भी। चलो चलो हमें हाथ बाहर भी निकाल रखा है, हमें गाड़ियों को रोक दियो कि आते आते हफ्ता वसूली कर रही हो। कितने घुमावदार रास्ते हैं, ऐसे भी छोटे छोटे रास्ते हैं अभी सड़क, मतलब बीच में सड़कें बहुत छोटी छोटी है। शुगर करो इतने कट पहाड़ देखना, बिल्कुल नीचे झुके हुए हैं सारे पहाड़। ये वीडियो पेज बना रही है बहुत मम्मी की है पीछे कमेंट्री कैमरा मैन अशोक के साथ। सही बात है कैमरा मैन बनना पड़ता है, कैमरा मैन दीपक के साथ। दीपक बोलिए सर, जो दीपक मैं और तुम्हारी भाभी। पहाड़ों पे घर देख कितने सुंदर लग रहे हैं यार, हम लोग तो एक्सपर्ट हैं। यार एक्सपर्ट वो गलत बात है, पे थोड़े दूर चेंज ओके एटीट्यूड देख उसका थोड़ा हो रहा है, गाना गाने से डांस भी कर फिर उधर। तो ये है सिसु लेक, हम यहाँ पर आए हैं एंजॉय करने के लिए। आप सामने देख सकते हैं बर्फ से ढकी हुई है सारी पहाड़ियाँ। तो सिसु लेक में हम थोड़ा एंजॉय करेंगे, कल हम सिसु गए थे वहाँ एंजॉय करा था हमने बर्फ में, और आज हम आए सिसु लेक। तो हम सब लोग यहाँ पे आए हैं सिसु लेक, और देख सकते हैं आप पहाड़ों को बर्फ से पूरे ढके हुए पहाड़, खूब ज्यादा भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। देखना कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर आई हुई हैं, सब लोग नए साल पर यहाँ एंजॉय करने आए हैं, सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। देखना चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आप लोगों को नजर आएगी, और पहाड़ देखे आप लोग बर्फ से पूरे ढके हुए हैं। तो कल हम सिसु गए थे वहाँ भी हमने बर्फ में एंजॉय करा था खूब ज़्यादा, और आज आए हमें सिसु लेक। ठंड तो बहुत ज़्यादा है, ठंडी हवाएं चल रही बहुत ज़्यादा, सब पैक हो रखे हैं, ये देखना सब कितने पैक हो रखे हैं। बस लेकिन सिसु लेक आना था, थोड़ी देर यहाँ पर रुकेंगे फिर हम लोग आगे जाएंगे। सब लोग जा रहे हैं नीचे की तरफ, यहाँ पर लेक है, ये देखिए नीचे लेक बनी है वहाँ पर, तो नीचे की तरफ। तो आप सब देख सकते हैं सिसु लेक की बहुत लंबी सिसु लेक है, बहुत दूर तक है ये, ये यहाँ से जा रही है होती हुई आगे तक जा रही है। तो सिसु लेक देखकर हम लोग वापस जा रहे हैं। तो हम सिसु लेक देखकर वापस जा रहे हैं, ये जा रहे सब लोग मस्ती मारते हुए। इतनी ठंड में हम लोग खा रहे हैं यहाँ पर गर्मा गर्म भुट्टे,
तुम लोग क्या खा रहे? मैगी लेके जाओ। क्या मैगी खा रहे? क्या पैसे दिखा रही है? पैसे यम्मी मैगी खा रहे बेटा? और ये क्या खा रहा है? ऑमलेट। ऑमलेट यम्मी मैगी खा रही है, ये ऑमलेट खा रहा है और हम लोग खाएंगे भुट्टे। जी ग्लव्स खराब कर रहे हो मेरे। कहीं ग्लव्स खराब? गर्म गर्म भुट्टे, धुआं निकल रहा है इनमें से। केजिया खा के बता कैसे है। वो तो तेरा छोटे वाला गुटका, ले तेरा गुटका। ये मेरा भुट्टा छोटा कैसा है? मीठा। मीठा है। अंकुश अब हम लोग जा रहे हैं सिसु लेक से निकलकर, क्योंकि यहाँ पर एंट्री बंद हो गई है। अब दिन छिपने वाला है यहाँ पर, तो बस हम लोग भी निकलने वाले हैं। तो दोस्तों हम यहाँ खाना खाने के लिए रुके हैं, क्योंकि टाइम हो रहा है 8:30 बजे का। और सिसु लेक से जब थे हम चले ना, हम सिसु लेक से चले थे करीब 5:30-6 बजे के करीब, तो ट्रैफिक काफ़ी मिला हमें रास्ते में, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला है। तो काफ़ी देर हमें चलते हुए हो गए, तो 1 घंटे में बस हम मनाली पहुँचने वाले हैं, सॉरी कुल्लू पहुँचने वाले 1 घंटे में हम लोग। अब हम लोग हैं मनाली में, मनाली में है ये रेस्टोरेंट, और हम लोग कुल्लू पहुँचने में भी 1 घंटे का टाइम है हमारा। बस यहाँ खाना खाएंगे फिर हम लोग निकलेंगे, पता नहीं किस टाइम पहुँचेंगे। 9:30-10 बजे का टाइम हमें हो जाएगा पहुँचते पहुँचते कुल्लू में। डिनर में हमने ऑर्डर किया है यहाँ पर दाल, मिक्स वेज और बटर नान। खाना बस यहाँ का ओके ओके है, ज़्यादा अच्छा खाना नहीं है यहाँ का, और महंगा भी बहुत है खाना यहाँ का, और सर्विस तो बिल्कुल बेकार है यहाँ की, बिल्कुल भी अच्छी सर्विस नहीं है। लेकिन हमें मजबूरी में खाना पड़ रहा है, पता नहीं अभी हमें कुल्लू पहुँचने में 1 घंटा है, आगे कोई रेस्टोरेंट हमें मिले या ना मिले। यहाँ से ये रहा मॉल रोड, आप बताओ जाना है बेकरी? और वो जो केक लोगे ना पक्का फीकेगा, कोई नहीं खाने वाला उसे। हलवा खाया नहीं जा रहा, हलवा भी तो खाना है। कल काट तो लिया, तू नहीं उतरी क्या? उतरना मैं देख रहा हूँ कौन बैठी फिर भी। पापा बोल, पापा उतर गए फिर मैं दो दो थोड़ी थोड़ी थे। मेरी जान। फिर अच्छी शुरू हो गई क्या? सो गई। जो कर मुझे यहाँ गाड़ी दे दूँ एकदम से दे दो तो सीधा खाई नहीं क्या कर होगा तेरे पास। ये लगानी है क्या हमें ये गाड़ी? चलो भाई कन्या उतरो। खांसी, ठंडा पानी पी के। तो हम लोग पहुंच गए हैं कुल्लू। कुल्लू में हमारा जो आशीर्वाद होम स्टे है ना, वहां पर पहुंच गए हैं। तो टाइम मैंने चेक नहीं करा, शायद 10:30-10 बजे का टाइम हो रखा है। तो सब लोग बहुत ज़्यादा थके हुए, सब लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, और बाहर ना अंधेरा है, बाहर लाइट नहीं जल रही, इसलिए मैंने अपने फ़ोन की ना टॉर्च जला दी है,
जिससे कि पता चल जाए कि गाड़ी में कहाँ कहाँ सामान रखा है, और गाड़ी में से सारा सामान अभी उतारना है क्योंकि सुबह हमें यहाँ से चेकआउट करना है। तो मैं टॉर्च जलाकर दिखा रही हूँ सबको कि सब सामान आराम से उतार लें, और सबको नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, सब बहुत ज़्यादा थके हुए हैं क्योंकि सुबह से ना हम लोग कंटिन्यू चल रहे हैं, बीच में कहीं भी रुककर हमने आराम नहीं करा, तो इसलिए थकान बहुत ज़्यादा हो रही है। और यहाँ के ओनर को ना हमने पहले ही फ़ोन कर दिया था कि हम लोग ना लेट पहुँचेंगे, तो इसलिए वो हमारे लिए बेचारे अभी तक जागे हुए हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम चाय कॉफ़ी वगैरह के लिए बोल दिए, तो इसलिए वो अभी तक हमारे लिए जागे हुए हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो बस उठ गए हम लोग, सुबह 7:45 का टाइम हो रहा है ये सब। तो अगर आप लोग कुल्लू में आना चाहें तो यहाँ पर होम स्टे है, ये बहुत अच्छा आशीर्वाद के नाम से है, कुल्लू में आप यहाँ आ सकती हैं, बहुत ही अच्छा होम स्टे है, सारी फैसिलिटी आपको यहाँ मिलेगी, रूम भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, डबल बेड है यहाँ, मतलब कि हीटर है, सर्दियों में आ रही है तो आपको रूम में टीवी भी लगा हुआ है, मैं दिखाती हूँ आपको अभी। तो देखिए सामने दो बड़ी बड़ी अलमारी हैं, टीवी लगा हुआ है, और ये डबल बेड है, और आपको मतलब हर चीज़ की फैसिलिटी मिलेगी यहाँ पे, हीटर भी मिलेगा सर्दियों में आ रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे, तो ज़रूर आना आप लोग कुल्लू में अगर आ रहे हैं तो, बहुत अच्छा होम स्टे है ये आशीर्वाद के नाम से। हाँ देखना कैसी शक्ल हो रही है, अभी उठे बस सारे सो के, बाहर का व्यू दिखाती हूँ आपको मैं, पहाड़ बाहर कितने अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मज़ा आ गया दोस्तों ट्रिप पे ना, बहुत अच्छा लगा। सिसु में बर्फ जाते थे हम लोग, सिसु गए थे, अटल जो टनल है ना वहाँ पर उसके बराबर में सिसु है, तो हम वहाँ गए थे, बहुत बर्फ़ मिली वहाँ हमें, बहुत बर्फ़ मिली, मज़ा किए बहुत, बहुत इन्जॉय करा हमने बर्फ़। तो बस हम निकलेंगे, सब नहाए धोएंगे, नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम निकल जाएंगे यहाँ से, 12 बजे चेकआउट कर देंगे, आना जरूर। तो अभी दोस्तों सामान सारा फैला पड़ा है, अभी अटैची में लगाएंगे सारा सामान हम लोग, फटाफट नहाएंगे धोएंगे, सब लोग उठ गए हैं, यामी भी उठ गई है, यामी समेटने में लग रही है सामान सारा। है बेटा जल्दी करके ना नहाओ धो जल्दी करके, गीजर ऑन हो गया था ना, ब्रश करके नहा लो फटाफट, ठीक है? तो मैं आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाती हूँ, फिर हम लोग 12 बजे यहाँ से चेकआउट कर जाएंगे, तो मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ आज लास्ट, 8 बज गए, ये है बाहर का व्यू, ये देखो ये बाहर का व्यू है, ये टेरिस है, और ये पहाड़ सामने देखो, पहाड़ों पे धूप नजर आ रही है ना आप लोगों को, मतलब कि 8 बजते ही धूप, मतलब कि 7 बजे धूप निकल जाती है, तो पहाड़ों पे देखो धूप कितनी अच्छी साफ सुथरी नजर आ रही है। दोस्तों पहाड़ों पे अगर घूमने के लिए आ रहे हो ना, यहाँ पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी, आसमान देखो कितना साफ सुथरा दिखा रही मैं आपको, आसमान भी कितना साफ सुथरा आसमान है, और सुबह के 8 बज रहे हैं, हम दिल्ली में रहते हैं ना, और वहाँ तो बस 12 बजे तक पोल्यूशन रहता है, धूप बिल्कुल नहीं निकलती वहाँ तो, लेकिन यहाँ पहाड़ों पर ना मौसम साफ सुथरा है, देखो यहाँ का वेदर, धूप निकल गई एकदम से, और साफ सुथरा है सारा मौसम, मतलब आसमान सब साफ सुथरा, पोल्यूशन बिल्कुल नहीं, जीरो है पोल्यूशन यहाँ पे। तो सब लोग यहाँ पर आ गए हैं, ठंड का मज़ा ले रहे हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है लेकिन अच्छा लग रहा है ठंड में। तो मैंने कि आपको लास्ट है आज हमारे यहाँ 12 बजे चेकआउट कर जाएंगे, आपको दिखा दूँ लास्ट बार, पहाड़ों के दर्शन करा दूँ आप लोगों को चलते चलते। तो कुल्लू में हम फिर मिलेंगे चलते चलते, ये देखिए कितनी अच्छी धूप लग रही है पहाड़ों पे, एकदम धूप कैसे निकल रही है, ये देखो चमक रहे हैं पहाड़ बिल्कुल। अभी
बहुत ठंड है, ठंडी हवा चल रही है बिल्कुल। ये देखो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, ये देखो मतलब भर के घर कितने सुंदर लग रहे हैं यहाँ पर। आहा बहुत सुंदर घर लग रहे हैं यार। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, मतलब आशीर्वाद होम स्टे में हम रुके हैं ना, इसके चारों तरफ देखा, ये पीछे का है जहाँ होम स्टे में हम रुके हैं आशीर्वाद में, ये पीछे का है। देखो पेड़ खड़े हैं सारे, सूख गए पेड़ इस मौसम में, सर्दियों में सूख जाते हैं सारे पेड़, अब मौसम गर्मियों का आएगा ना फिर हरे भरे हो जाएंगे सारे। अच्छा। ये देखो सारे यहाँ इधर पेड़ लगे हुए हैं, सब सारे सूख गए हैं सारे पेड़ ये। तो दोस्तों ये है कुल्लू, अच्छा लगा ट्रिप हमारा, बहुत अच्छा रहा फैमिली ट्रिप, बहुत ही अच्छा रहा। जैसे नीति वैली का हमारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा ना, ये भी बहुत अच्छा ट्रिप रहा हमारा, बहुत इन्जॉय करा, बहुत मज़े करे, बहुत मस्ती करी हम लोगों ने। लेकिन आना आप लोग ज़रूर, कुछ नहीं है ट्रैफिक वगैरह कुछ नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है, गर्म कपड़े ज़्यादा लेके आना बस और इन्जॉय करना खूब।